नमस्कार सर, मैं भी इस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर ट्यूटरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ सर। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक भी जीएसटी इनवॉइस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी आई जीएसटी का सेल इनवॉइस कैसे तैयार किया जाता है और टैली प्राइम में आई जीएसटी का सेल इनवॉइस बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टैली प्राइम में आई जीएसटी का इनवॉइस कैसे तैयार, आई जीएसटी का सेल इनवॉइस कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सेल का बिल बनाते हैं, सेल इनवाइस आईजीएसटी का कैसे तैयार करना है। आप एफिट प्रेस करेंगे, एफिट करने के बाद हमें एंड खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को माल बेचना है, जिसे क्वेश्चन में आप एक बार रिपीट करके चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट। एंड जैसे क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, एंड ऑल आइटम सोल्ड टू महेश इलेक्ट्रॉनिक इंटर स्टेट मुंबई, यानी मुंबई में माल बेचना है। जो मैंने दिल्ली से खरीदा था माल, उसको मैं मुंबई में बेच रहा हूँ और उसमें 25% लाभ रखना है स्टूडेंट। तो 25% लाभ रखकर हम कैसे इसको सेल आउट करेंगे, तो इसमें वापस हम आते हैं एंड अपने टैली पे, और आप एफएट दबा देंगे। एफएट दबाने के बाद ये आपका स्क्रीन आपके सामने खुलेगा। एंड यहाँ पे हमने खन्ना, यानी जो पार्टी हमारा है वो मुंबई का है, तो महेश इलेक्ट्रॉनिक के नाम से लेजा बनेगा, तो हम यहाँ पहले से बना रखा हूँ। इंटर करेगा और यहाँ पे जाते हुए स्टूडेंट देख लीजिएगा, इसको महेश चंडी गैप्रस मिल जाएगा, और यहाँ पे महाराष्ट्र चूज कर लीजिएगा। जहाँ जिस स्टेट में आप बेच रहे हैं आप अपने हिसाब से चूज करिएगा। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में बेच रहा हूँ, तो महाराष्ट्र का चूज कर लिया, और इंटर करते हुए सीप करा लीजिएगा स्टूडेंट। इंटर करते हुए कराते हुए आप बाहर आएगा, और यहाँ पे इंटर करते हुए इंटर। अब यहाँ पे देखिए, जो माल मेरे पास है, यानी देखिए 29 PCA है, 25 PCA है, तो हमें जो माल बेचना है, जैसे मान लीजिए 25 पीस को बेचना था, 25 पीस मैंने सेलेक्ट किया पहले मोबाइल को, और मोबाइल का दाम देखिए स्टूडेंट हमारे बिल में पहले से लिखा हुआ है, 25 पीस यहाँ डाल देते हैं, और अल्ट्रा सी करिएगा। और वापस आप बिल में अल्ट्रा टैप करके जाएंगे, तो यहाँ पे 4900 देखिए यहाँ दिखेगा आपको, तो हमारे 4900, यानी आप अगर यहाँ से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं टैली से, तो डायरेक्ट यहाँ पे अल्ट्रा सी दिवालीगा रेट से, तो सीधे बॉटम में देखिए येलो कलर का आपका कैलकुलेटर बॉटम खुल जाएगा, और वहाँ पे 4900 राइट कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा। इंटू 25% लाभ रखना, तो 25% लाभ रख के इंटर मारेगा, तो आपको उस रेट में एंड 1225 का वैल्यू आपको दिखाई देगा। तो 1225 में फिर अल्ट्रा सी करेगा उसी जगह स्टूडेंट, और 4900 को प्लस कर दीजिएगा 1225 में, और इंटर मार दीजिएगा स्टूडेंट, तो आपका टोटल 6125 की वैल्यू आ गई, यानी प्रॉफिट के साथ, और जिसमें 1,53,125 का नेट सेल हुआ है, यानी जीएसटी के, यानी सॉरी प्रॉफिट के साथ। फिर इंटर करिएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे आप सेल सेल इंटर स्टेट का लेजर बनाएंगे, जो मैंने एक पहले से बना रखा हुआ है, सेल का सेल में डालेंगे, इंटर करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पे अलाउ करेंगे जीएसटी। यस, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल होगा, माल राज्य के बाहर जा रहा है, और यहाँ पे 5% जीएसटी लगा से सेव करा लिया स्टूडेंट। ये सेव कराने के बाद फिर दूसरा आइटम मुझे बेचना है आपका एंड फ्रिज। जो फ्रिज की क्या क्वांटिटी देखिए यहाँ दिख रहा है आपका, 29 पीस आपको है बेचना है, एंड मैंने टोटल 29 पीस यहाँ पे डाल दिया, और फ्रिज का नाम आपके सामने है, एक जो 12,500 रुपये एक फ्रिज का नाम है, जिसमें हमें 25% प्रॉफिट बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे फिर उसी तरह से अल्ट्रा सी करेंगे रेट ऑफ वैल्यू पे, 12,500 25% प्रॉफिट आप निकाल दीजिए स्टूडेंट। प्रॉफिट निकालने पर रेट आएगा 3,125 रुपया, 3,125 आ गया। फिर स्टूडेंट 3,125, यानी दोबारा फिर अल्ट्रा सी वहाँ करेगा, तो 12,500 में प्लस कर दीजिएगा 3,125, और इंटर मारेगा, तो टोटल वैल्यू 15,625 का आपका प्रॉफिट के साथ, वह एक पीस का दाम आ रहा है फ्रिज, और टोटल जो 29 पीस का रेट हो गया 4,000, ये 4,53,125 का नेट सेल हो रहा है। इंटर करिएगा, फिर अल्ट्रा सी करिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, और अल्ट्रा सी करने के बाद यहाँ सेल इंटर स्टेट ये आप लेजर बनाएंगे स्टूडेंट, 12% के नाम से बनाया एंड सेल में डाल दीजिएगा। इंटर करते हुए नीचे आएगा, और यहाँ पे यस अलाउ कर देगा जीएसटी में, इंटर करते हुए नीचे वो इस सेल टैक्सेबल इंटर स्टेट चूज कर लीजिएगा स्टूडेंट, और इंटर करते हुए 12% यहाँ पे चूज करके इंटर करके सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये सेव करने पे ये आपका प्रोफार्मा बन जाएगा, यहाँ पे इंटर करेगा, अब यहाँ पे स्पेस दबाएगा, आपका जो इस टैक्स ऑलरेडी पहले से बना रखा हुआ है यहाँ पे, इसे 12.5% आइटम है, इंटर मारेगा, देखिए टैक्स इसमें लग गया 7,656 रुपये आ रहा है टैक्स आपका, दूसरा 12% IGST का रेट आपका ये आ गया 54,375 रुपये टैक्स ये आ गया आपका टोटल, आप आपने सेव करा, ये आपका ईवे बिल का प्रोफार्मा है, आप जा ये ईवे बिल अभी आगे समझाएंगे कैसे बनता है, इसको सेव करा लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना आपको अभी, एंड इंटर 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 एंड इंटर।
प्रोफार्मा अगर आपको चेक करना है इसमें, उसी तरीके से आप सेल इनवाइस भी देख सकते हैं। आप डे बुक अपना खोल लीजिए, डे बुक में चले जाएंगे और इंटर करेंगे, और अल्टर पी जैसे मैंने बताया था वहां पे आप करेंगे, फिर इंटर मारेगा। तो यहाँ प्रोफार्मा जब अल्टर पी करेंगे स्टूडेंट, तो अल्टर पी करने के बाद आपको पूछेगा या क्या चीज़ का हमें प्रीव्यू देखना है, ये इनवाइस पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और आपके सामने अल्टर जे से जूम कर लीजिएगा। तो ये देखिए सेल इनवाइस आपके सामने बन के तैयार। देखिए विजुअल इफेक्ट जो हमारी कंपनी है, और मैंने महज इलेक्ट्रॉनिक को जो मैंने माल बेचा स्टेट के बाहर, और ये हमारी टैक्सी जो मैंने खरीदा, और ये प्रॉफिट रख के मैंने आईजीएसटी के साथ ही माल बेच दिया। ये है आपका सेल इनवॉइस स्टूडेंट, ऐसे बनता है सेल इनवॉइस। अब हम ये चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट कि हमारी टैक्स की लाइबिलिटीज क्या बनती है। अगर आपको चेक करना है वापस, आप हमारी टैक्स की लाइबिलिटी जो बनती है वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में इंटर मारेंगे, और वहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी अल्टर फोन करेगा तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लिस्ट लिखा जाएगा। टोटल स्टूडेंट आपका जो टैक्स बन रहा है 12,406 रुपये आपका टैक्स बन रहा है, जिसमें आपका सी टोटल आपका जो टैक्स है, देखिए यहाँ इंटर करेंगे तो 12% आपका 10,875 रुपये किसका बन रहा है, 12% का, और 1,531 रुपये इसका बन रहा है। इसको पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वापस आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F5 करेंगे। F5 करने के बाद आप कंट्रोल F करेंगे तो आपका ये GST ऑटोफिल प्रोफार्मा आपके सामने आएगा, वहाँ स्टार्ट पे इंटर करेंगे। एंड क्या हमें जमा करना है, GST और रेगुलर डीलर है, इंटर करिए। जिस महीने का आप जमा करें स्टूडेंट, उस महीने का डेट डाल लीजिएगा, और लास्ट यहाँ पे हमारा डेट लॉक है, इसलिए हम सेम डेट डाल रहे हैं स्टूडेंट। एंड इंटर, एंड हमें क्या जमा करना, इंटर करिएगा। जिस IGST पे आपको बैलेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ देखिएगा, करेंट बैलेंस के नीचे 10,875 दिख रहा है, 10,875 ये इंटर करिएगा स्टूडेंट। एंड फिर DR कर दीजिएगा एंड बाई, एंड दूसरा 5% यहाँ पे देखिए 1,531 रुपये इंटर इंटर। एंड चेक से जमा करना है तो अल्टर सी से चेक कर लीजिए, बना लीजिएगा बैंक अकाउंट जो बैंक आप पेमेंट कर रहे हैं, अपना करंट अकाउंट जो भी आपका हो आप उसको बना के सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपने जो टैक्स की लाइबिलिटीज आपकी बनी, ये आपने जमा कर दिया है। एंड पे करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं वापस आपका बैलेंस शीट में, अल्ट्रा फोन करेंगे तो यहाँ पर टैक्स नील हो जाएगा, यानी ड्यूटी टैक्स खाली होगा। ये आपने टैक्स जमा कर दिया, ये आपके दिखाएगा बैंक में करंट असेट्स में, यानी 12,406 रुपये टैक्स आपने GST जमा कर दिया। तो ऐसे होता है IGST का परचेज एंड सेल इनवॉइस का रिपोर्ट बनाने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि IGST का सेल इनवॉइस बनाने का सही तरीका क्या है और कैसे मेंटेन करना चाहिए। हर वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियोस आप अकाउंट सेक्शन में आप काम कर रहे हैं, या किसी क्षेत्र में आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या अपने अकाउंटेंसी खुद मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।